स्वागत है फिर से एसएससी एग्जाम गुरुजी में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में ये दुविधा रहती है कि कौन सा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, राष्ट्रीय पुरस्कार जो भी दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। दोस्तों पहले अपने अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सर्वोच्च अवार्ड है भारत का किसी भी नागरिक को मिलने वाला, ये है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न मिलता है किस क्षेत्र में दोस्तों? कला, साहित्य, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में, विशेष सेवा और जनसेवा के लिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर कला यानी कि आर्ट, किसी कोई किसी की पेंटिंग में आर्ट है, ठीक है, म्यूजिक में, तो कला के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में विशेष सेवा, ठीक है, विशेष सेवा दी जाती है, तो खेल के क्षेत्र में जैसे कि सचिन तेंदुलकर को मिला था, और जनसेवा के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए भारत रत्न दिया जाता है। आगे देखेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अवार्ड मैंने चुन के निकाले हुए हैं कि कौन कौन से अवार्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर में दोस्तों, ये इतनी बार पूछा गया ज्ञानपीठ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको एक ही जगह सारे अवार्ड मिल गए हैं दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखें। सरस्वती सम्मान दोस्तों ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखो दोस्तों यहां पर इसको आप रिलेट भी कर सकते हो, ज्ञान, ज्ञान कहां पे होता है? किताबों में, यानी कि साहित्य में। अब देखो सरस्वती, सरस्वती माँ की पूजा की जाती है ना, जो पढ़ते हैं करते हैं, तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान हो जाएगा। आगे देखेंगे कुछ नेक्स्ट दोस्तों, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो तीन अवार्ड हो गए जो साहित्य के क्षेत्र में दिए गए, ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखने बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? आगे दोस्तों वाचस्पति पुरस्कार, संस्कृत साहित्य में उत्कर्ष योगदान के लिए। अब देखो दोस्तों हमने तीन की जो साहित्य में थे, लेकिन ये वाला अवार्ड है ये संस्कृत साहित्य में उत्कर्ष योगदान के लिए, ये ध्यान रखना है आपको, ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। संस्कृत साहित्य में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? वाचस्पति पुरस्कार। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों शंकर पुरस्कार, ये किसके लिए दिया जाता है? ये भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में। ठीक है, भारतीय दर्शन और संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में शंकर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कबीर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में। ठीक है, सामाजिक सद्भावना अगर आप करोगे तो कबीर पुरस्कार आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों कुछ और अवार्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग जो लोग देते हैं, कोच जो होते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। आपको पता है द्रोणाचार्य गुरु थे, उन्होंने अंगूठा मांगा था, तो दोस्तों ये उसी से रिलेट करके आप याद करोगे। ठीक है, खेल प्रशिक्षण कौन सा हो जाएगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। आगे दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को। दोस्तों खेलों में सबसे बड़ा जो सर्वोच्च अवार्ड है वो यही है, राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, खेल में जो सराहनीय प्रदर्शन करते हैं उनको ये मिलता है, सबसे सर्वोच्च अवार्ड है खेल में। ये क्वेश्चन भी बनता है, जो खेल में सबसे सर्वोच्च अवार्ड कौन सा दिया जाता है, तो अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अर्जुन पुरस्कार भी यहां पर है, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखो दोस्तों खेल के क्षेत्र में ये सराहनीय प्रदर्शन करने के लिए और ये खेल के क्षेत्र में। ठीक है, तो दोनों हो गए ये आपके खेल वाले। आगे देखते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों किसके क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। शांति स्वरूप भटनागर एक आदमी थे, इनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है ये विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों कहाँ पर दिया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में। आगे देखेंगे दोस्तों बोरलॉग पुरस्कार, ये कृषि के पैदावार में सराहनीय योगदान के लिए। अब देखो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग का आपने नाम सुना होगा, वो हरित क्रांति के सबसे बड़े जनक माने गए हैं पूरे विश्व में, तो उनके नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है जिसको बोलते हैं कृषि पैदावार में सराहनीय योगदान के लिए। तो कृषि की पैदावार में कोई भी सराहनीय कोई इन्वेंशन करता है, कोई ऐसे बीज
चीज का इन्वेंट करता है कि उससे प्रोडक्शन बढ़ गया, तो उसको बोरलोग पुरस्कार दिया जाता है। आगे दोस्तों चमेली देवी पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है, पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है, चमेली देवी पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार, ये दिया जाता है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सांसद को, ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ एमपी रहा है रूट को दिया जाता है गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों अपने डिफेंस से आएंगे, जो शौर्य पुरस्कार हमारी डिफेंस को दिए जाते हैं वो कौन कौन से अवार्ड है। पहला जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है दोस्तों परमवीर चक्र, ठीक है, पराक्रम के लिए दिया जाने वाला है, यह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों परमवीर चक्र, ठीक है, इनको हमें सैल्यूट करना चाहिए जो जो परमवीर चक्र विजेता है। दोस्तों आगे देखेंगे महावीर चक्र, ये द्वितीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार है, ये द्वितीय श्रेणी में आता है, मतलब दूसरे नंबर पर आता है महावीर चक्र। आगे दोस्तों वीर चक्र, ये आता है तृतीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार है ये। दोस्तों इसके बाद अशोक चक्र है, यह पदक जल और थल में साहस पराक्रम और आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे नीचे हो गया अशोक चक्र, ये थे हमारे शौर्य चक्र जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें दोस्तों इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।